उत्तर प्रदेश के बाहर किस क्षेत्रीय दल ने 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें बेहतर प्रदर्शन किया? अगर ये सवाल आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती इस टक्कर में बाजी मारती हुई दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश में भले समाजवादी पार्टी मजबूत हो, मुख्य विपक्षी दल हो, लेकिन जो 3 राज्यों में, तीन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये 3 वो राज्य थे जहां पर ज्यादा लड़ाई इन क्षेत्रीय दलों के बीच देखने को मिली थी, तो इन 3 राज्यों में बसपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। तो वही समाजवादी पार्टी अपना वोट प्रतिशत तो गवाई, साथ में उसका प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी से काफी पीछे रहा। बात करेंगे इन 3 राज्यों में कि आखिर 3 राज्यों में इन दोनों पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, दोनों को कंपेयर भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों पार्टियों का इन 3 राज्यों में भविष्य क्या होने वाला है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। बहुजन समाज को मुख्य धारा में लाने की बात करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी और मायावती लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ती हैं। इस बार भी वो 4 राज्यों में चुनाव लड़ी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तेलंगाना में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं था इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जहां पर समाजवादी पार्टी उनके सामने थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा लेकर और इस मकसद के साथ कि इन तीनों का वोट हम इकट्ठा करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस राज्य में, ऐसी उम्मीद थी अखिलेश को, अखिलेश के साथियों को, उनके पार्टी के नेताओं को, रणनीतिकारों को, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। जब परिणाम आए तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को निराशा हाथ लगी। वहीं BSP भी अपने पिछले परिणामों से कुछ बेहतर नहीं कर पाई बल्कि और उसे नुकसान होता दिखाई दिया। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, BJP को बहुमत मिली, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, तो वही वोट प्रतिशत के मामले में तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। उन्हें करीब 3.5% वोट मिला लेकिन एक भी सीट वो अपने नाम करने में कामयाब नहीं हुए। वही समाजवादी पार्टी, उसकी बात करेंगे, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान हुआ तो ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है, वो एक साथ चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही थी लेकिन दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव हुआ और अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में और उन्होंने कई सीटों पर, उम्मीद से ज्यादा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिसका उन्हें नुकसान हुआ और उन्होंने 0.46% वोट हासिल किया। यानी कुल मिलाकर देखें तो बसपा से भी काफी ज्यादा पीछे समाजवादी पार्टी यहां पर नजर है। बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान में बसपा का रिकॉर्ड अच्छा है। 2018 में उन्होंने 6 सीटें यहां पर जीती थी। इस बार उम्मीद थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने पिछले परिणाम से ज्यादा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में सिर्फ 2 सीटें ही जीतने में कामयाब रही। मायावती के भतीजे आकाश लगातार वहां पर रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसी उम्मीद थी मायावती को वैसा हुआ नहीं। वहीं बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का प्रतिशत भी राजस्थान में इतना खराब था, 0.04% वहां पर वोट मिला समाजवादी पार्टी को। वहीं छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेंगे तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन वहां पर पिछड़ा वोट ज्यादा था तो ऐसा लगा कि बसपा बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन वहां भी BSP उस लिहाजे का प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस हिसाब से उम्मीद थी, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में वहां भी BSP तीसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर BJP, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी रही। यानी इन 3 राज्यों के अगर परिणामों को मिलाकर देखें तो बहुजन समाज पार्टी आगे निकलती है समाजवादी पार्टी से, लेकिन उस लिहाजे का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। वही सपा की बात करें तो जिस हिसाब से उन्हें मीडिया कवरेज चुनाव से पहले मिल रहा था, अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर थे, लेकिन इसका फायदा उन्हें बिल्कुल भी मिलता हुआ दिखा नहीं। वहीं भविष्य पर अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के बारे में सोचना होगा, मध्य प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो। फिलहाल तो ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में उनके वोट प्रतिशत में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो सके,
लेकिन मायावती के लिए मौका है कि वो एक बार फिर से अपनी पार्टी को उठा सकती हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से अपनी पार्टी का और अपने वोटरों के वोटों का लोहा मनवा सकती हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एनबीटी ऑनलाइन को। नमस्कार।